मामला खरगोन जिले के सनावत क्षेत्र के ग्राम बोधगांव का है, जहां नीलाबाई नामक मजदूर तबके की महिला ने अपनी बेटी को जंजीरों में बांधकर विगत 7 वर्षों से बदहाली के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। बोधगांव की मजदूर महिला नीलाबाई की माने तो 7 साल पहले उसकी 29 वर्षीय बेटी रीना हस्ती खेलती खुश मिजाज लड़की हुआ करती थी। वही विधि विधान से उसका विवाह भी कराया, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने से रीना के ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया। इस दौरान मां नीलाबाई ने रीना का हर संभव इलाज भी कराया। इस बात की भनक जैसे ही एक स्वयंसेवी संस्था को लगी तो विधायक के निर्देशन में परिजन मां नीलाबाई को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए महिला के उचित इलाज का भरोसा दिलाया और महिला को जंजीरों से आज़ाद किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मामला मेरे संज्ञान में लायंस क्लब की हमारी अध्यक्ष अनिता भवी जैन, उन्होंने ये मामला संज्ञान में लाया है। पिछले दिनों इनको ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर बोधगांव में एक बच्ची है, एक महिला है, जो उसको जंजीरों में घर में बांध के रखा है। चूँकि परिवार की कोई गलती नहीं है, परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, उनकी माँ है अकेली जो मजदूरी करती हैं, बड़ा ही गरीब परिवार है, और वो अपने बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसलिए ये मंदबुद्धि होने के कारण, विक्षिप्त अवस्था में इसके होने के कारण इसको जंजीरों से उन्होंने बांध के रखते हैं, क्योंकि जब ये छूटती है तो इधर मोहल्ले में परेशानी ज़्यादा होती थी सब पूरे मोहल्ले वालों को, तो उसको बांध के रखते थे। जब ये बातें हमारे संज्ञान में आई तो आज मैं भी लायंस क्लब के हमारे सभी परिवार के साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ, और हम लोगों ने देखा है कि इनको इलाज की अति आवश्यकता है। तो मैंने अभी CMHO मैडम और BMO हमारे यहाँ के अनुज जी से बात की है, वो आशा कार्यकर्ता को भेज रहे हैं, और तत्काल इसको हम कल इनको MOI अस्पताल इंदौर के लिए रेफ़र करेंगे, जहां इनके दिमाग का उचित इलाज हो और वापस से अपनी दिनचर्या वापस से व्यवस्थित करते हुए अपना जीवन यापन करें। बहन कौन है? वो का नाम रीना। ये कब से बीमार है? ये कब से 7 साल ही। कहाँ इलाज करवाया था इसको? राखा है। तो क्या मजबूरी आ गई थी जो इसको अपन साकल से बांध के रख रहे थे? ये ऐसे दिलोरी में ऐसी हुई गई, उन छोड़ी का अपना घर तुम्हारी छोरी समाओ पागल थे, अब वो मारा कुटा बांध दिए बच्चा ना का। तो कितने दिनों से बांध के रख रहे हैं आप इसको? 6 साल से। इस बीच के अंदर इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ? नहीं। इसके बच्चे जो है वो कहाँ पर? वहाँ चेन बमनगांव। पति आता है? हाँ पति कहीं तो इनके ससुरा होता है, सासू होता, कोई नहीं आता। नहीं आता। अब क्या कहना चाहते हैं आप? अपने आज विधायक साहब भी आए थे, कुछ समाज सेवी संस्था के लोग भी आए थे, क्या चाहते हैं आप इनसे? इलाज करा दो, और कोई महाराज जो कई छे गरीब इंसान हो तो बैठी डोखरो गयो शांति भी गो छोरो काम करो मजूरी महा जो कई छे लगाऊ ये कर लिया तो तुमको कहो। मैं लाइनेस क्लब द्वारा यहाँ पर मुझे परसों के दिन सिरली कराई से भैया उनके द्वारा पता चला था, और हमने एक मीटिंग भी बिठाई थी, फिर हमने विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने भी सीडली हम लोगों को यही बोला कि हम उसके लिए तात्पर्य रहेंगे, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम बना और वो भी हमारे साथ आज यहाँ पर उपलब्ध है, और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो भी सेवा होगी और उसकी जो माइंड डिस्टर्ब है तो हम माइंड डिस्टर्ब के लिए उसे इंदौर भी ले जाने की बात चली है, और सनावत में यहाँ जहाँ भी उसका ट्रीटमेंट होगा तो हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे, और उसे पहले की तरह वापस हंसती और खेलती हुई देखना चाहते हैं। ये महिला के बच्चे भी हैं, क्योंकि उसके पति ने उससे बच्चे लेकर चला गया, इस दिशा में किस तरीके से काम होगा? इस दिशा में हम लोग यही कहेंगे, गांव की मीटिंग बैठाएंगे, उनके परिवार की मीटिंग बैठाएंगे, और उन दोनों से बात करके और इस बच्ची को अच्छा करके उसके ससुराल वापस भेजने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।